अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर नवी जमात का ये सियासियत का सबक चार है, अक्वामे मुत्तहेदा, जिसका सभी सवाल जवाब हम हल करेंगे। तो चलिए, दर्सी किताब का सवाल नंबर एक, ज़ेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो पहला सवाल है, इनमें से कौन सा मुल्क अक्वामे मुत्तहेदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है? तो यहाँ पर जर्मनी को मैंने निशान लगा दिया है। सवाल दो, भारत में बच्चों की तग्जियाती मसाइल पर मुख्तलिफ कारगाहें मुनक्कद करने वाली बैनुल अक्वामी तंजीम यूनिसेफ है। तीसरा सवाल है, अक्वामे मुत्तहेदा की मौजूदा रुकन मुमालिक की तादाद 193 यानी 193 है। चौथा सवाल है कि अक्वामे मुत्तहेदा के कयाम का मकसद डैश है, तो आलमी अमन व सलामती कायम करना। पांचवा सवाल है, डैश का दिन यौम अक्वामे मुत्तहेदा के तौर पर मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सवाल छः, अक्वामे मुत्तहेदा का सदर दफ्तर डैश में है, न्यूयॉर्क में है। सातवां सवाल है, अक्वामे मुत्तहेदा की सेक्रेटरियत की सदर को डैश कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। आठवां सवाल है, अक्वामे मुत्तहेदा की सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब डैश करता है, इजलासे आम और सलामती काउंसिल करता है। सवाल नौ, बैनुल अक्वामी अदालत नेदरलैंड के शहर डैश में है, दी हैग में है। दसवां सवाल, यकुम नवंबर 1994 को मुल्क डैश की आज़ादी के बाद तौलेती काउंसिल का खात्मा हो गया, पिलाओ। ये यहाँ पे खत्म हो गए सवाल जवाब। अब दूसरा है दर्सी किताब का सवाल, दर्ज झेल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। तो पहला सवाल है, इजलासे आम आलमी मसाइल के हल का प्लेटफॉर्म है। तो जवाब है कि ये बयान सही है, क्योंकि अब हमें इसकी वजाहत करनी है। तो इसका पहला पॉइंट है कि दुनिया के तमाम ममालिक अजलास आम के रुकन हैं, तमाम नुमाइंदे अजलास आम के अजलास में माहौलियात तर्क इस्लाह जैसी अहम मसाइल पर बहस करते हैं। दूसरा पॉइंट है, कसरत राय से अजलास में फैसले किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, रुकन ममालिक के नुमाइंदों को यकजा करके बहस व मुबाहसे करने और अहम बैनुल अक्वामी मसाइल पर पॉलिसियाँ तय करने के लिए अजलास आम में प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। अगला सवाल दो है कि अक्वामे मुत्तहेदा में तमाम रुकन ममालिक की हैसियत मसावी नहीं है। तो जवाब का यहाँ पर है कि ये बयान गलत है, क्योंकि अब हमें इसकी वजाहत करनी है। तो ये पहला पॉइंट है कि दुनिया के तमाम मुक्तदर ममालिक अक्वामे मुत्तहेदा के रुकन हैं और ये ममालिक अजलास आम के रुकन हैं। दूसरा पॉइंट है, मुल्क अमीर हो या गरीब, छोटा हो के बड़ा, तमाम रुकन ममालिक का इजलास आम में मकाम व मर्तबा यकसा है। तीसरा है पॉइंट, हर रुकन ममालिक का एक वोट होता है, मतलब ये कि अक्वामे मुत्तहेदा में तमाम रुकन ममालिक का मर्तबा मुसावी है। अब तीसरा सवाल यहाँ पे कि सलामती काउंसिल में अगर चीन मुखालिफत करे तो करारदाद पास हो सकती है? जवाब बयान यहाँ है कि ये बयान गलत है, क्योंकि हम इसकी वजाहत करेंगे। जिसका पहला पॉइंट है, चीन सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन मुल्क है। दूसरा पॉइंट है, सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकनियत वाले 5 ममालिक को वेटो पावर हासिल है। तीसरा पॉइंट, के वेटो पावर वाले किसी एक मुल्क ने भी इस हक का इस्तेमाल किया तो वो करारदाद मंजूर नहीं हो सकती, इसीलिए चीन के सलामती काउंसिल में वेटो पावर इस्तेमाल करने से करारदाद मंजूर नहीं हो सकती है। अगला सवाल यहाँ पर चौथा और आखिरी है, अक्वामे मुत्तहेदा के कामों में भारत ने अहम किरदार अदा किया है। तो जवाब है यहाँ पर, ये बयान सही है, क्योंकि हमें इसकी वजाहत करनी है। तो इसका पहला पॉइंट है कि अक्वामे मुत्तहेदा के कयाम से मुतालिक जो इजलास मुनक़द हुए उनमें भारत ने शिरकत की। दूसरा पॉइंट है कि नौ आबादियात की आज़ादी, तर्क इस्लाह और नस्ली तफरीक जैसे कई मसाइल भारत ने अक्वामे मुत्तहेदा के सामने पेश किए। तीसरा पॉइंट है, अक्वामे मुत्तहेदा की अमन फौज में भारत ने अपने फौजी जवान रवाना किए हैं। इस तरीके से भारत ने शुरू ही से अक्वामे मुत्तहेदा के कामों में अहम किरदार अदा किया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में भी हमारे पास सवाल है। सवाल है, सलामती काउंसिल अमन व सलामती के मौजू पर सिर्फ बहस कर सकता है? तो जवाब है कि ये बयान गलत है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट है कि बैनुल अक्वामी अमन व सलामती कायम रखने की जिम्मेदारी खास तौर पर सलामती काउंसिल पर
होती है। दूसरा पॉइंट है, बैनुल अक्वामी तनाजात की सूरत में सलामती कौंसल मुल्कों की बाहमी झगड़ों को खत्म करके अमन कायम करने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गुफ्त व शनैत से मसला हल ना हो रहा हो तो झगड़ा करने वाले मुमालिक पर मुआशी पाबंदियां आयद की जाती हैं या जारे मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का फैसला किया जाता है। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास छठा सवाल है, तौलती काउंसिल की अहमियत आज भी कायम है? तो जवाब है कि ये बयान गलत है, क्योंकि इसकी वजाहत हम पहला पॉइंट देकर करेंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद चंद मुल्कों और नौ आबादियात की तरक्की और उन्हें आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी बास तरक्की याफ्ता मुल्कों को सौंपी गई थी। दूसरा पॉइंट है, वो मुमालिक जो नौ आबादियात अब आज़ाद हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, पिलाओ बहरुल काहिल का आखिरी जजीरा है जो आज़ाद हो गया है और इस तरह तौलती काउंसिल के क़याम का मकसद पूरा हो चुका है। इस वजह से तौलती काउंसिल को 1 नवंबर 1994 को बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सातवां सवाल है, अक्वामे मुत्तहदा के कामों को आज अहमियत हासिल हो गई है? तो ये जवाब है कि ये बयान सही है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट है, आजकल दुनिया में दहशतगर्दी, नस्ली और मजहबी तसादुम बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, इन तसादुमों की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, जंग को टालकर आलमी अमन व सलामती को कायम की कोशिशें करने की वजह से फी जमाना अक्वामे मुत्तहदा के कामों को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। अब यहाँ पे दर्सी किताब का सवाल तीन, दर्जे ज़ेल इस्तलाहात की वजाहत कीजिए। पहले हमें इस्तलाहात देखना है, हक इस्तरदाद की यानी वेटू। अब यहाँ पे इसके ऊपर जवाब का पहला पॉइंट है कि किसी अहम मसले पर सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मुमालिक को करारदाद की मुखालिफत करने का हक होता है, जैसे हक इस्तरदाद यानी वेटो कहते हैं जिसे। दूसरा पॉइंट है, सलामती काउंसिल में किसी मसले पर फैसला लेने के लिए 5 मुस्तकिल और कम अज कम यहाँ पर है 5 मुस्तकिल और कम अज कम 4 गैर मुस्तकिल अरकान की मंजूरी जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, लेकिन मुस्तकिल अरकान में से अगर एक रुकन भी अपना वेटो पावर इस्तेमाल करके मुखालिफत राय देता है तो वो फैसला रोक दिया जाता है। अगला है यहाँ पे सवाल यूनिसेफ। यूनिसेफ पे हमें यहाँ पर पहला पॉइंट हम देंगे कि बैनुल अक्वामी सतह पर बच्चों की तरक्की के लिए फंड मुहैया करने की गर्ज से 1946 में अक्वामे मुत्तहदा ने एक जेली अदारा यूनिसेफ कायम किया। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को कुवत बख्श गिजाएं और तबी खिदमात फराम करने का काम यूनिसेफ करता है। तीसरा पॉइंट है, बच्चों की नाकिस गिजाइत के मसाइल पर पसमानदा मुल्कों में कौन से इकदाम करने चाहिए, इस ताल्लुक से वर्कशॉप यानी कारगाह का इनकाद करता है। चौथा पॉइंट है कि यूनिसेफ का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में है। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों हम यहाँ तीसरा सवाल दे रहे हैं यूनेस्को। अब जवाब का पहला पॉइंट है, अक्वामे मुत्तहदा ने ये ज़ेली अदारा 1946 में कायम किया। दूसरा पॉइंट है, मुख्तलिफ मुमालिक में तालीम, साइंस, तहजीब व सकाफत वगैरह के लेन देन में इजाफा करने के लिए यूनेस्को सरगर्म अमल है। तीसरा पॉइंट है, दुनिया में नाख्वानदगी को कम करने की कोशिश करता है। चौथा पॉइंट है, मुख्तलिफ मुल्कों में बाहमी ताउन में इजाफे के जरिए आलमी अमन व सलामती कायम करने में अक्वामे मुत्तहदा की मावंत करता है। एक्स्ट्रा मालूमात में चौथा है हमारे पास पॉइंट, अमन फौज। तो जवाब है, जंग जदा मुमालिक में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम करने के मकसद से अक्वामे मुत्तहदा की अमन फौज मुनासिब माहौल तैयार करने का काम करती है। अमन फौज सलामती काउंसिल के मातहत काम करती है। अक्वामे मुत्तहदा के पास इसकी अपनी अमन फौज नहीं है। अक्वामे मुत्तहदा रुकन मुमालिक की फौज को अपनी जेर निगरानी में जंग जदा मुल्कों में रवाना करता है। अक्वामे मुत्तहदा ने अब तक यूगोस्लाविया, नाम्बिया, सोमालिया, हैती, थाईलैंड जैसे मुल्कों में अमन फौज भेजी है। भारत भी अपने फौजी जवान अमन फौज में रवाना करता है। अमन फौज जंग जदा मुल्कों के लोगों को अशियाए जरूरिया, दवाइयां वगैरह मुहैया करता है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास आलमी तिजारती तंजीम यानी WTO के बारे में हम मालूमात देंगे, जिसका पहला पॉइंट है, बैनुल अक्वामी तिजारत में सहूलत पैदा करने के लिए 1995 में आलमी तिजारती तंजीम WTO कायम की गई। दूसरा पॉइंट है, इसके कायम के मकासद है मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारत यानी बगैर किसी रुकावट के तिजारत।
इम्तियाजी कानून का खात्मा जो बैन अलावामी तजारत की राह में रुकावट है और आलमी तजारत और बंदिशों को रस्मी कसीर जमाती मेकानिज्म के जरिए बाकायदा बनाना भारत का इस तंजीम का 1995 में ही रुकन है। अगला सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में है, छठा सप्टा यानी SAPTA। जवाब का पहला पॉइंट है, आलमी तजारती तंजीम की नेहज पर सार्क मुमालिक ने साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी सप्टा बनाया। दूसरा पॉइंट है कि भारत ने सार्क मुमालिक के लिए चंद अशिया पर दरामद पाबंदियों को खत्म कर दिया है और दरामदी टैक्सों में छूट दी है। तीसरा पॉइंट है कि ये सार्क को एक आजाद तिजारती हलका बनाने की जानिब एक कदम है। दर्सी किताब का सवाल चार है, यहाँ पर बच्चों मंदरजा जेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है यहाँ पर, अक्वामी मुत्तहिदा की कयाम की वजूहात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दूसरी आलमी जंग में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ, और दूसरा पॉइंट है इस जंग में एटम बम का इस्तेमाल होने की वजह से ये नुकसान बहुत ज्यादा था। तीसरा पॉइंट है कि तमाम मुमालिक सोचने लगे कि इस तरह की तबाहकुन जंगों का खात्मा होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी इज्तमाई तौर पर तमाम मुल्कों पर आयद होती है। चौथा पॉइंट है कि आलमी अमन कायम करने के लिए मजलिस अकवाम जैसा अदारा जो वजूद में आना चाहिए, इस ख्याल के तहत दूसरी जंग अजीम के बाद अक्वाम मुत्तहिदा का कायम अमल में आया। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा सवाल है, अक्वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की सरगर्मियां तहरीर कीजिए। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि जंग जदा मुल्कों में तशद्दुद को रोककर सालसी करना। दूसरा पॉइंट है अमन कायम करने के लिए मजबूत माहौल साजी करना। तीसरा पॉइंट है तहफ्फुज अमन के लिए मुख्तलिफ तदबीरों पर अमल करना। चौथा पॉइंट है तहफ्फुज के साथ साथ अमन व सलामती का कायम में मदद करना। अगला सवाल है यहाँ पर, तीसरा, अक्वामे मुत्तहिदा के मकासद लिखिए। तो जवाब को यहाँ पर, अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम के दर्ज ज़ेल मकासद है। पहला पॉइंट है आलमी अमन कयाम करने के लिए ज़रूरी इकदामात करना। दूसरा पॉइंट है मुख्तलिफ मुमालिक के बैन माबेन दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके मुआशी ताउन को फ़रोग देना। तीसरा पॉइंट है बैनुल अक्वामी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करके बैनुल अक्वामी सलामती के फरोग की कोशिश करना। और चौथा पॉइंट है इंसानी हकूक और आज़ादी की कोशिश और उनके तहफ्फुज करना। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल चौथा है, अक्वाम मुत्तहिदा के कयाम के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट के दरमियान एटलांटिक मुहैदा हुआ और जंग के बाद बैनुल अक्वामी अदारा कायम करने का फैसला किया गया। दूसरा पॉइंट है 1944 और 1945 में होने वाले मुत्तहिदा मुहाज के मुमालिक के अजलास में बहस व मुबाहिसे के बाद एक बैनुल अक्वामी अदारे का मसौदा तैयार किया गया। तीसरा पॉइंट है 1945 में सान फ्रांसिस्को में 50 मुमालिक के अजलास में अक्वामे मुत्तहिदा का मंशूर बनाया गया। चौथा पॉइंट है 24 अक्टूबर 1945 को अक्वामे मुत्तहिदा का कायम अमल में आया। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल पांचवा है, अक्वामे मुत्तहिदा के तमाम रुकन मुमालिक के कौन से फराइज हैं? तो जवाब है कि अक्वामे मुत्तहिदा के तमाम रुकन मुमालिक के दर्जे ज़ेल फराइज हैं। पहला पॉइंट, मुक्तदर मुमालिक के खसूसी सियासी इख्तियारात का एहतराम करना। दूसरा पॉइंट, दूसरे मुल्क पर हमला ना करना। तीसरा पॉइंट, बैनुल अक्वामी कानून और मुहैदों की तामील करना। चौथा पॉइंट, अक्वामे मुत्तहिदा के मकासद के हुसूल में ताउन करना। अगला सवाल छठा है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में, ये अक्वामे मुत्तहिदा के उसूल व जवाबत बयान कीजिए। तो जवाब है कि अक्वामे मुत्तहिदा के उसूल व जवाबत हस्बे ज़ेल है। पहला पॉइंट, तमाम रुकन मुमालिक को मसावी हैसियत हासिल होगी। दूसरा पॉइंट, जुग्राफियाई रकबा मुआशी खुशहाली या फौजी ताकत की बुनियाद पर मुल्कों के दरमियान तफरीक नहीं की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, रुकन मुमालिक एक दूसरे की आज़ादी और जुग्राफियाई सरहदों का एहतराम करेंगे। चौथा पॉइंट है, तमाम मुमालिक अपने बैनुल अक्वामी मसाइल पर अमन तरीके से हल करें। सातवां सवाल भी है हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात में, सलामती काउंसिल के अरकान के इंतखाबात किस तरह होता है? तो जवाब का पहला पॉइंट, सलामती काउंसिल में कुल 15 अरकान होते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि इनमें 5 अरकान मुस्तकिल और 10 अरकान गैर मुस्तकिल होते हैं। तीसरा पॉइंट है 5 मुमालिक अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और इंग्लिस्तान मुस्तकिल अरकान हैं। चौथा पॉइंट, 10 गैर मुस्तकिल अरकान का इंतिखाब हर 2 साल में इजलास आम में किया जाता है। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ 8वां सवाल है, मुआशी व सामाजिक काउंसिल के अरकान का इंतखाब किस तरह किया जाता है? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मुआशी व सामाजिक काउंसिल में कुल 54 अरकान होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन अरकान का इंतखाब इजलास आम में होता है। तीसरा पॉइंट, कुल अरकान के 1/3 अरकान हर साल सबकदोश होते हैं और इतने ही नए अरकान मुंतखब किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, हर रुकन की मियाद 3 साल होती है। 9वां सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों, यहाँ पे अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट की सेक्रेटरी जनरल के काम लिखिए। तो जवाब है कि अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट की सेक्रेटरी जनरल हस्बे ज़ेल काम करते हैं, जिसमें पहला है मौसमों की तब्दीली, हकूक इंसानी जैसे बैनुल अक्वामी मसाइल पर अजलास तलब करना। दूसरा पॉइंट है, इजलास आम और सलामती काउंसिल की मीटिंगें तलब करना। तीसरा है, मालूमात जमा करना। चौथा है, जर्राए इब्लाग को मालूमात मुहैया करना। 10वां सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, तौलेती काउंसिल के क्या काम थे? तो जवाब का पहला पॉइंट है, दूसरी जंग अजीम के बाद जो मुमाली गैर तरक्की याफ्ता थे उनकी तरक्की में मदद करना। दूसरा पॉइंट, इन पसमानदो मुल्कों को आज़ादी दिलाने की कोशिश करना। तीसरा, इन मुल्कों में जमहूरियत कायम करने में ताउन देना। यहाँ पे 11वां सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, अक्वामे मुत्तहिदा ने नए हजारे के लिए कौन से मकासद तय किए हैं? तो जवाब है कि अक्वामे मुत्तहिदा ने नए हजारे यानी 21वीं सदी के लिए दर्जे ज़ेल मकासद तय किए हैं, जिसका पहला पॉइंट, दुनिया से गरीबी और भुखमरी का खात्मा, इब्तदाई तालीम की सहूलियात मुहैया करना। दूसरा पॉइंट, हामिला खातून की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना, एड्स मलेरिया जैसे अमराज का मुकाबला करना। तीसरा पॉइंट है, ख्वातीन को बा इख्तियार बनाना और कम सिन बच्चों की शरह अमवात को कम करना। चौथा पॉइंट, माहौलियात का तहफ़ करना और मुल्कों के माबैन ताउन को फ़रोग देना। 12वां सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, यहाँ पर अक्वामे मुत्तहिदा के मंशूर में बैनुल अक्वामी तनाजात को हल करने के कौन से तरीके बताए गए हैं? तो जवाब है कि अक्वामे मुत्तहिदा के मंशूर में बैनुल अक्वामी तनाजात को हल करने के दर्जे ज़ेल तरीके बताए गए हैं, जिसका पहला पॉइंट है, जिन मुमालिक के दरमियान तनाजात हों उनकी मर्जी का सालस तय करना। दूसरा पॉइंट है कि मुनसिफाना तरीका इख्तियार करना। तीसरा पॉइंट है, तनाज़े के हल के लिए ट्रिब्यूनल कायम करना। चौथा, ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करना और इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा तनाज़ा रोनुमा ना हो। 13वां सवाल है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में, जंग ज़दा मुल्कों में अमन कायम करने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा कौन से काम करता है? तो जवाब है कि जंग ज़दा मुल्कों में अमन कायम करने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा दर्जे ज़ेल काम करता है, जिसका पहला पॉइंट, स्कूलें शुरू करवाता है। दूसरा, आवाम में इंसानी हकूक के मुतालिक बेदारी पैदा करवाता है। तीसरा, समाजी मुआशी और सियासी सहूलियात मुहैया करवाता है। चौथा, इन इलाकों में इंतखाबात मुनक्कद करवाता है। यहाँ पर दर्सी किताब का सवाल नंबर 5, दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। सवाल है, अक्वामे मुत्तहिदा की ज़ेली शाखों की मुतालिक मालूमात फराम करने वाली जदूल मुकम्मल करिए। तो यहाँ पर देखिए, शाख है कि इजलास आम, सलामती कौंसिल, बैनुल अक्वामी अदालत, मुआशी व समाजी कौंसिल, इसमें कौन कौन अरकान की तादाद बतानी है और जिम्मेदारियाँ उसकी बतानी है। तो हम अगले पेज पर देखते हैं जवाब। तो यहाँ पर देखिए, अजलास आम में जनरल असम्बली है, यहाँ पे इसके अरकान की तादाद, हर रुकन मुल्क का 5 नुमाइंदा सिर्फ 1 वोट दे सकते हैं। रुकन मुमालिक की तादाद 193 है। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? तो पहला पॉइंट है, जिसका माहौलियात, नस्ली इम्तियाजात जैसे अहम मसाइल पर इजलास आम में मुबाइसा करके करारदाद पास की जाती है। दूसरा पॉइंट है, सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना। तीसरा, अक्वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल और बैनुल अक्वामी अदालत के जजों का इंतखाब करना। चौथा, अक्वामे मुत्तहिदा का सालाना बजट को मंजूर करना।
ये चारों यहाँ पे इसके काम हो गए अजलास के। आप सलामती काउंसिल में क्या क्या होता है, तो यहाँ अरकान की तादाद 5 मुस्तकिल है और 10 गैर मुस्तकिल, इस तरह कुल 15 अरकान है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो पहला पॉइंट है बैनुल अक्वामी अमन व सलामती का तहफुज करना, दूसरा पॉइंट है इसलाह और काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करना, तीसरा पॉइंट है कि आम इजलास के साथ बैनुल अक्वामी अदालत के जज और अक्वामे मुत्तहदा की सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब करना। बैनुल अक्वामी अदालत, अब इसके अरकान की तादाद है 15 जज हैं। अब इनकी जिम्मेदारी, पहला पॉइंट है कि रुकन ममालिक के माबैन तनाजात हल करना, दूसरा पॉइंट है बैनुल अक्वामी क़वानीन का मुनासिब मफहूम मुतयन करना, तीसरा पॉइंट है कि अक्वामे मुत्तहदा की मुखालिफत शाखों शोबों और जेली अदारों के दरपेश कानून मसाइल पर राय देना। अब चौथा है यहाँ पे मुआशी व सामाजिक काउंसिल, इसके अरकान की तादाद है 50 और 4 54, यानी इसके 54 अरकान हैं। इसका पहला पॉइंट है जिम्मेदारी इनकी क्या क्या है, इसका पहला पॉइंट है कि इफलास, बेरोजगारी, मुआशी व समाजी अदम मुसावा जैसे मसाइल पर बहस व मुबाहिसा करना और तदाबीर पेश करना। दूसरा पॉइंट है ख्वातीन के मसाइल, ख्वातीन को बाख्तियार बनाना, इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादी, आलमी तिजारत, सेहत से मुतालिक मसाइल वगैरह पर मुज़ाकरा करना और फैसले करना। तीसरा पॉइंट है बैनुल अक्वामी सतह पर तालीमी और सकाफती रवाबत कायम करने की कोशिश करना। चौथा पॉइंट है अक्वामे मुत्तहदा से मुंसलिक मुख्तलिफ अदारों के काम में मुताबिकत और हम आहंगी कायम रखना। तो ये सभी मुकम्मल हुआ हमारा सवाल। दूसरा यहाँ पे सवाल है कि अक्वामे मुत्तहदा के कयाम को जमानी खत पर बिलतरतीब बताइए। तो देखिए यहाँ पे 1941 में अटलांटिक मुहिदा हुआ, 1944 में बैनुल अक्वामी अदारा कायम करने पर बहस, और 1945 में अक्वामे मुत्तहदा का कायम अमल में आया। तीसरा यहाँ पर सवाल है कि अक्वामे मुत्तहदा से मुतालिक शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। अक्वामे मुत्तहदा यानी सदर दफ्तर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। अहम जेली शाखे कौन कौन सी हैं, अजलास आम, जनरल असेंबली और जेली अदारे उसके कौन से हैं, बैनुल अक्वामी मजदूर तंजीम, सलामती कौंसल उसकी अहम शाखे हैं, लेकिन इसके जेली जो अदारे हैं वो आलमी तंजीम सेहत है। अब यहाँ पे जेली शाखे मुआशी व सामाजिक काउंसिल है और जेली अदारे इसके हैं तंजीम बराए अनाज व जरात। अब इसके अहम जेली शाखे हैं सेक्रेटरियत और जेली अदारे हैं बैनुल अक्वामी मालियाती फंड। यहाँ पे अहम जेली शाखे हैं बैनुल अक्वामी अदालत और जेली अदारा है अक्वामे मुत्तहदा का मालियाती फंड। तो यहाँ पर ये सभी मुकम्मल हुए। अब यहाँ पे अगला है कि तसवुराती खाका मुकम्मल करना है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो तसवुराती खाका है उसका सवाल है कि अक्वामे मुत्तहदा के मंजूर शुदा जुबानें तो कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनी, रूसी और फ्रांसीसी। अब यहाँ पे तसवुराती खाका में सलामती काउंसिल के मुस्तकबिल रुकनियत के हामिल ममालिक तो इंग्लिस्तान, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका है। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में तसव्वुराती खाके में सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान कौन कौन से हैं, 5 साल तक के रुकनियत वाले, सेक्रेटरियट का सेक्रेटरी जनरल, अक्वामे मुत्तहदा के मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारों की मियाद 2 साल, और यहाँ पे 9 साल के लिए बैनुल अक्वामी अदालत के जज, और यहाँ पर मुआशी व समाजी काउंसिल के अरकान 3 साल तक के इनका। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, पहला है कि अक्वामे मुत्तहदा बच्चों और ख्वातीन की तरक्की के लिए जो सरगर्मियाँ अंजाम देता है उसके बारे में मालूमात इकट्ठा करिए। दूसरा सवाल है आलमी तंजीम सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तो ये दोनों सवाल आपको अपने ओन से करना है, इसे ज़रूर करके रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। और अगला यहाँ पे सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में फिक्र अंगेज सवालात। पहला सवाल है कि इंसानी हकूक और आज़ादी की निगेबानी के लिए अक्वामे मुत्तहदा ने कौन से इकदाम किए हैं। दूसरा सवाल है कि आपके ख्याल में अक्वामे मुत्तहदा को दुनिया के मुल्कों को के किन मसाइल में मुदाखलत करना चाहिए। ये दोनों सवाल को हल करिए और इसको अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से इसके नोट्स बनाइए। ये हो सकता है कि एग्जाम में आए, तो इसे नज़रअंदाज ना करिए बच्चों। तो यहाँ पे सभी सवाल जवाब खत्म हुए। मैं सोचती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक जरूर दीजिए।
इससे क्या होता है, मेरी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है, तो मुझे खुशी होती है। तो मैं अच्छे अच्छे लेसन आपके लिए इसी तरह से लाते रहूंगी और आपकी समस्याओं को हल करूंगी। और आप अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े। कोई भी डाउट हो इस लेसन के मुताबिक मुझसे कमेंट कर बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।